नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 928 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखता है तो उसके साथ बातचीत संभव नहीं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में भारत प्रशांत सुरक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी और भारत आज चीन के सुचोवो में सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कल इस तरह की सूचियों में से चौथी सूची जारी की। इससे पहले दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में तीन सूचियां जारी की गई थी। इनके तहत 1238 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। एक रिपोर्ट। चौथी सूची के 928 सैन्य उपकरणों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। इनके आयात पर दिसंबर 2023 और दिसंबर 2029 के बीच चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध से 715 करोड़ रुपए बचेंगे। अब इन उपकरणों की खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। पहली तीन सूची में शामिल 1238 उपकरणों में से 310 का उत्पादन भारत में ही होने वाला है। यह उपकरण लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षण विमानों, युद्धपोतों और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद में इस्तेमाल किए जाते हैं। संजीव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजमंगल पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थान बना रहेगा, उसके साथ बातचीत कभी संभव नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक कार्यक्रम में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत विरोधी कुछ ताकतें देश की प्रगति और मजबूती को सहन नहीं कर पा रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके पास सीधे भारत का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए वे आतंकवाद जैसे छद्म युद्ध का सहारा लेते हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, जिस समय पुलवामा का, गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया है हमारे यहाँ के सेना और सुरक्षा के जवानों ने, कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में भारत प्रशांत सुरक्षा पर बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तीन दिवसीय आयोजन का शुभारंभ आज कैलिफोर्निया में सनीलैंड में हो रहा है। क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर भारत प्रशांत सुरक्षा पर बैठक में भाग लेंगे। जनरल चौहान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। पिछले साल अक्टूबर में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद जनरल अनिल चौहान की यह पहली विदेश यात्रा है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम तय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया है। कल बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बिना किसी विरोध के यह फैसला किया गया। पार्टी हाईकमान ने पर्यवेक्षक के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह और पार्टी नेता दीपक बाबरिया को भेजा था। विधायक दल के नेता का नाम तय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करने का एक पंक्ति का प्रस्ताव पास किया गया। विधायक दल के नेता राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 135 सीट जीतकर शानदार बहुमत हासिल किया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 संगठन के सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इसमें विशेष रूप से आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक और भारतीय विश्व ऊर्जा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। बैठक के पहले दिन आज केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार, जो इस बैठक के अध्यक्ष भी हैं, वे अपना स्वागत भाषण देंगे। भारत सरकार के रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री श्री राव साहब दानवे एक विशेष संबोधन प्रस्तुत करेंगे। सुबह के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व ऊर्जा परिषद भारत, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सहित अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर प्रस्तुति देने वाले हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कश्मीर घाटी में आयोजित होने वाली G20 पर्यटन कार्यदल की आगामी बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता ने अधिकारियों से कहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता के लिए सबको मिलकर काम करना है। उन्होंने सभी से इस जिम्मेदारी को ठीक से पूरा करने की अपील की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में आरंभ इस नीति का उद्देश्य आगामी वर्षों में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्त करना है। सरकार ने पिछले 9 वर्ष में शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं को नया रूप देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराना है। 21वीं सदी की यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समग्र बनाने के साथ साथ भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में युवा शक्ति का सदुपयोग और शिक्षा पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने और कौशल दोनों पर समान जोर दिया गया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला। इससे हमें अपने बच्चों को अतीत के बोझ से मुक्त करने का बहुत हौसला मिला है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। केंद्र सरकार युवा पीढ़ी में अनुसंधान और नवाचार की भावना को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा देश भर के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत विकसित और उन्नत किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन कल से 27 मई तक होने वाले कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महोत्सव के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करेंगे। थाईलैंड में विपक्षी दलों ने सेना के साथ गठबंधन से अलग होने के बाद चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। आरंभिक परिणामों से संकेत मिलते हैं कि मूव फॉरवर्ड और फेउ थाई दल प्रधानमंत्री प्रयुत चानोचा से आगे चल रहे हैं। अब तक 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं की परिषद CISE के इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम कल घोषित कर दिए गए। 10वीं कक्षा की परीक्षा में 98.94% जबकि 12वीं में 96.93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों परीक्षाओं में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। चीन के सुचोऊ में सुधीरमन बैडमिंटन कप में भारत आज मलेशिया से खेलेगा। भारत अपने पहले ग्रुप सी मैच में चीनी ताइपे से हार गया है। सुधीरमन कप में भारत की शुरुआत मिक्स डबल्स मैच से हुई, जहां यांग पोहुआन और हु लिंगफेंग ने साई प्रतीक और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को हराया। भारतीय बैडमिंटन टीम ने सुधीरमन कप में कभी भी पदक नहीं जीता है।
आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल रात चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इससे पहले कल एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से 112 रन से हार गया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उच्च पेंशन योजना पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। इस चर्चा में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुश्री अपराजिता जग्गी भाग लेंगी। श्रोता कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों से आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, बची हुई देय राशि की गणना, भुगतान के तरीके और उच्च पेंशन से जुड़े अन्य सवाल टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद कनकलता। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल को अपनी सुर्खी बनाया है। कर्नाटक का सीएम कौन, फैसला अब खरगे का ही होगा। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है। दैनिक भास्कर ने लिखा है सिद्धरमैया को अनुभव का फायदा मिलेगा या डीके को तपस्या का फल। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी भी ध्यान खींचती है हाथ में सत्ता कुर्सी के लिए कर्नाटक। जनसत्ता लिखता है पहलवानों ने कहा भाजपा की महिला सांसदों से करेंगे मदद की गुहार। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विनेश बोली हम भी आपकी बेटियां समर्थन करें। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद सीबीआई के नए बॉस, पंजाब केसरी की पहली खबर है। जनसत्ता ने भी इसे प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को बड़ी नियुक्ति शीर्षक से लिखा है कर्नाटक में कांग्रेस के निशाने पर रहे प्रवीण सूद नए सीबीआई चीफ। आईएनएस मोर मुगाव से ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का चित्र देते हुए हिंदुस्तान लिखता है नौसेना की समुद्र में ताकत बढ़ी। गुम हुए मोबाइल फोन को तुरंत किया जा सकेगा ब्लॉक। सरकार 17 मई को देशभर में लॉन्च करने जा रही है स्पेशल ट्रैकिंग सिस्टम। पंजाब केसरी, दैनिक हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स में है। सीआईएससीई के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को अमर उजाला ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है 10वीं में 9, 12वीं में 5 विद्यार्थी टॉपर, बेटियां फिर आगे, 12वीं में 2% से ज्यादा हुई पास। हिंदुस्तान ने चक्रवात मोखा के असर से बांग्लादेश और म्यांमा के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश और तीव्र गति की हवाओं के लिए लिखा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही तूफानों की तीव्रता। अमर उजाला ने बताया है द केरल स्टोरी की कमाई 9 दिन में 100 करोड़ पार। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर संकट शीर्षक से लिखा है डल झील में खतरनाक मछली से हड़कंप, देसी मछलियों को खा रही है एलिगेटर गार मछलियां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 928 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखता है तो उसके साथ बातचीत संभव नहीं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज अमरीका में भारत प्रशांत सुरक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी और भारत आज चीन के सुचोव में सुधीर रमन का बैडमिंटन टूर्नामेंट में मलेशिया के साथ खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।